और कैसे सारे लौंडे लपाटे। इस वीडियो में मैं आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ कि जो इन दिनों यंगस्टर के साथ हो रहा है। यूट्यूबर्स या सो कॉल्ड सेलिब्रिटी फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं कि 3 मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक मोटा आदमी 3 मंथ्स के बाद एक शेडेड बॉडी में उसका जो फिज़िक है कन्वर्ट हो गया है और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा मसल मास है। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि 3 मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, लेकिन कोई मोटा बंदा 100 kg का बंदा 80 kg या 70 kg तक आ सकता है, लेकिन इतना वेट रिड्यूस करने के बाद ड्रास्टिकली एट द सेम टाइम इतना ज़्यादा मसल मास प्रोक्योर करके रखना इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई मस्ट से जो यूट्यूबर्स है और जो सेलिब्रिटी है मस्ट स्टॉप मिसगाइडिंग यूथ्स, बिकॉज इसका बहुत निगेटिविटी फैल रहा है और आप बॉडी बिल्डिंग को ब्लेम करते हो कि ये मर गया वो मर गया। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, मैं समझता हूँ उनका बिजनेस है, बट पैसे के चक्कर में अंधा ना बनो। मैं ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे सेलिब्रिटी इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह मिसगाइड ना करो बच्चों को, क्योंकि वो नेचुरली ये पॉसिबल है, वो समझ लेते हैं, क्योंकि आप ये पोस्ट करते हो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन मैं 10-12 साल से इस लाइन में हूँ तो मुझे सब पता है क्या नेचुरल है क्या नेचुरल नहीं है और क्या पीठ पीछे क्या चलता है। सो इसका जो असर ये होता है कि जो 18-12 साल के लड़के नेचुरल के चक्कर में आपको हायर कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ीस देते हैं, सप्लीमेंटेशन ये वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, उसके बाद 3 मंथ के बाद जो आपने सपना दिखाया है वो नहीं मिलता उनको, तो फिर वो पागल हो जाते हैं। दे वांट टू गेट दैट काइंड ऑफ फिज़िक जो आपने उसको सपना दिखाया है, उसके लिए वो अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है। सो वो ना चाहते हुए भी उन्होंने सोचा क्या था कि नेचुरली कर लूँगा, फ्रस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, आपने उसको इस लाइन में ढकेला, फिर वो एनाबोलिक्स लेते हैं, उनका एडिक्शन बन जाता है, जबकि उनका गोल था जो भी गोल होगा डॉक्टर इंजीनियर बनना, लेकिन आपने उसको इस लाइन में ढकेला, फ्रस्ट्रेशन में आके नहीं हो रहा उसने, फिर वो एनाबोलिक्स वगैरह लेना शुरू कर दिया, फिर तो इसका लाइन काफ़ी लंबा है। सो सपना आपने दिखाया कि नेचुरली हो सकता है, सो प्लीज़ आप सच बोलने का, कैमरा के सामने सच बोलने का आदत बनाओ। आप जो नेचुरली करते हो इससे आप यंगस्टर को ना चाहते हुए भी आप अंधेरे में ढकेल रहे हो, एनाबोलिक्स के रास्ते में ढकेल रहे हो, उनका करियर बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मेरा पैशन है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे बच्चे इसको साइड लाइन थिंग समझते हैं कि एक अच्छा फिजिक भी होगा जो उनका प्रोफेशन है वो करेंगे भी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो यू हैड टू टेल देम द रियल ट्रूथ कि अभी जो मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं 12 साल का, लोग पूछते हैं कि व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड, उस वक्त कोई नहीं पूछा था 12 साल पहले, तो 12 साल का ईच एंड एवरी डे का ये मेहनत है और जो प्रोफेशनल है वो भी करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आप उनको सच बोलो, सच बोलोगे तो किसी का लाइफ बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि हर कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहता है, हर किसी का गोल्स अलग होता है, लेकिन वो साइड लाइन थिंग के तरह समझ लेता है कि बॉडी बिल्डिंग को भी कर लेगा, बाकी जो उसका गोल है उसको भी अचीव कर लेगा, लेकिन ये जो सपना आप दिखा लेते हो उसको, उससे एडिक्शन बन जाता है और उसको वो चाहिए नहीं होता है, तो किसी किसी के ईगो पे भी आ जाता है, जिद पे भी आ जाता है कि वो करना ही है, और उसके चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें लेने लगता है, सो वो उस गलत रास्ते में चला जाता है। सो ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं, मैं हाथ जोड़कर उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नेचुरल ये वो प्रमोट मत करो, बिकॉज सबको पता है आप क्या ले रहे हो मैं क्या ले रहा हूँ। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, होता है, लेकिन आप बिस्ट लाइक उसको बॉडी दिखा रहे हो। नेचुरल आप उसको अगर ट्रेन कर रहे हो तो आप उसको बताओ 3 मंथ में आपका फैट लॉस होगा, थोड़ा बहुत मसल मास होगा नेचुरली, ये नहीं कि आप उसको अपना फिजिक दिखा लो दुनिया भर का सामान ले गए कि मैं 3 मंथ में किया बीस्ट बन गया, तो यू आर टेकिंग केमिकल्स, सो दैट्स इट। सो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मुझे एक मैसेज आया था एक बंदे का, काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गया, एकदम उसका लाइफ बर्बाद हो गया जस्ट बिकॉज नेचुरल के नाम पे किसी ने लूटा और उसके बाद वो ढकेल दिया, पागल हो गया, कुछ भी लेने के लिए तैयार है। यू वांट टू टेक एनीथिंग टू हैव दैट काइंड ऑफ फिजिक, एंड बच्चे पता नहीं क्या कर लेते हैं कि दोस्त को बॉडी बना के दिखाना, ये बचकाना हरकत तो हमारे उम्र में भी था, ये बात नहीं है कि नहीं था। सो झूठ मत बोलो, जो
सोशल इन्फ्लुएंसर्स है, आप सच बोलो, इससे आप किसी को ना झूठा सपना दिखाओगे और बहुत यंगस्टर को आप बचा लोगे गलती करने से पहले। सो ये बहुत बड़ा एक सोसाइटी में है, नेचुरल के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, लेकिन आप सच बोलो, क्योंकि एक चीज़ का गोल वो होता है, अगर आप नेचुरल का गोल वो है तो आप उसको बोलो कि इतना तक होगा, अगर आप केमिकल ले रहे हो तो उसको बोलो कि केमिकल लेना पड़ेगा। सो दैट्स इट, बी सिंपल एंड बी ट्रूथफुल। छोटा सा आपको मैसेज दिया फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो रेड बटन निकल गया उसको भी टक 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 टक।